वर्ण व्यवस्था गैर बराबरी पर आधारित है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर ढांचा उसका है, यानी सीढ़ी के शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है, ऊपर के तीन लोग बैठे हैं, सबसे निचले पायदान पर कौन बैठा, शूद्र बैठा हुआ है, शूद्र जब ऊपर पायदान पर पैर रखना चाहता ऊपर वाला लात मारता, कहता है तुम्हारी जगह नीचे ही है, जाइए गाँव में जाइए, कहाँ है धोबी, एक जगह बाहर रह रहे चमार, एक जगह रह रहे, मतलब उनको गाँव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया, तो धोबियाना है चमार चमरौटी है, मतलब चमार एक जगह धोबी एक जगह, आप सोचिए इंसान के साथ क्या होता था, जानवर पी सकता है तालाब में पानी, जानवर पे भैंस घुस जाती है तालाब में, पेशाब कर रही है, गोबर कर रही है, कोई देखने जाता है, लेकिन इंसान अछूत चला जाएगा तो अरे रे अछूत पानी छू दिया, गुलाम को अगर गुलामी का एहसास हो जाए तब उसके कहेगा नहीं गुलामी तो बड़ी खराब चीज है, तब उसे मुक्त होने का प्रयास करेगा। मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबेडकर भवन, यहाँ पर बैठक हुई थी रजक समाज की और दो दिवसीय जो है प्रोग्राम चलाया गया था। अब डिमांड और मांग क्या है वही इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ हैं चिंतामणि सर, तो सर ये दो दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है, क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं? एक्चुअली इस देश के धोबी समाज की बेहतरी के लिए, उसको जागरूक करने के लिए, उसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से उसको जागरूक करने के लिए और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए विश्व रजक महासंघ संस्था का गठन किया गया है, जिसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन आज हुआ था। मुख्य मांग यह है कि देश के करीब 11 राज्यों में धोबी समाज के लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं है बल्कि पिछड़ी जाति की श्रेणी में है, और कई राज्यों में तो वो दोनों में नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के हैं। हमारी पहली मांग है कि पूरे देश में धोबी समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, क्योंकि धोबी समाज पेशे से कपड़ा धुलता रहा है तो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि अन्य अछूत जातियों की तरह ही रही है, तो जब हम अछूत थे पूरे देश में, इस देश की वर्ण व्यवस्था के शिकार थे, अछूतों की श्रेणी में आते थे, हमको पिछड़ी जाति की श्रेणी माना गया, अछूत जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखकर उनको विशेष सुविधाएं, उनको बेहतरी के लिए संविधान और शासन में दी गई आरक्षण दिया गया, जिसका लाभ पिछड़ी जाति में होने के कारण धोबी समाज को नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए पहला मुद्दा तो यही था। दूसरा संगठन से संबंधित थी, समाज को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे एक किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस सारे मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन आज जो मैंने निर्देश दिया है कि पिछड़ी जाति में जहाँ पर हैं, जहाँ अनुसूचित जाति में नहीं हैं, उन स्टेट्स में पिछड़ी या धोबी समाज के लोगों को किस तरह से अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, उसके लिए कैसे प्रयास किया जाए, उसके संबंध में हम लोगों ने रणनीति पर चर्चा की और निर्देश भी दिए। हम लोग पूरे जिन प्रदेशों में नहीं हैं अनुसूचित जाति में और जहां हैं भी, वहां हम लोग संगठन का जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद फिर प्रदेश स्तरीय करेंगे और भव्य काफ़ी बड़ा आयोजन करेंगे और स्टेट से मांग करेंगे कि राज्य की विधानसभा से जो है उस प्रदेश में धोबी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए वो प्रस्ताव केंद्र को भेजें, फिर केंद्र में हम दिल्ली में भी रामलीला मैदान में पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे संविधान, ताकि केंद्रीय सरकार संविधान संशोधन करके पूरे देश में धोबी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करें। सर, इससे पहले कभी भी किसी ने भी ऐसे समाज के लिए कभी बात नहीं की, सोचा भी नहीं? दलित पिछड़ों की बात तो की जाती है, पर उसमें अगर धोबियों की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत पिछड़े हैं और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत वंचित हैं, तो आपने ये, आपके अंदर ये ख्याल कैसे आया कि इस समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बात तो बहुत नेता करते हैं? देखिए, हम तो प्रशासनिक सेवा में बड़े बड़े पदों पर काम किए और हम लोग की पृष्ठभूमि भी बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही गरीब परिवार से हम आए हैं और हमने देखी है धोबी समाज की स्थिति कि पूरा परिवार, उसका बच्चा भी कपड़ा धुलने में लगा हुआ है, तो जो बच्चा कपड़ा धुल रहा है वो पढ़ेगा क्या, तो जो पेशा पुश्तैनी धंधा ऐसा था परिवार का कि पूरा परिवार उसमें लग जाता था, मतलब जितना ज़्यादा परिवार लगेगा उतना ज़्यादा काम होगा, उतने ज़्यादा कपड़े धुलेंगे, उतने ज़्यादा प्रेस होगा, तो पूरा परिवार उसी में लग रहा, पढ़ाई लिखाई पर लोगों ने बच्चों का ध्यान नहीं दिया,
इसलिए पढ़ लिख करके सरकारी सेवाओं का लाभ इस समाज को नहीं मिल पाया है अधिकांश रूप से। इसलिए ज़रूरी है कि हम शैक्षणिक रूप से भी समाज को जागरूक करें और अनुसूचित जाति में जिन राज्यों में नहीं है, अगर SC में आ जाएंगे तो वहाँ के बच्चे भी जब प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेंगे तो वो चयनित होंगे, आरक्षण का लाभ लेकर उन्हें मिलेगा। इसलिए जो है हम इस पर जोर दे रहे हैं। सर, वाकई में क्या विकसित होगा ये समाज? नहीं, देख, बिल्कुल होगा, हिम्मत नहीं हारना। हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे, वो तो कहते थे पढ़ लिख करके हम तो उनसे अपेक्षा करते हैं कि तुम तो आगे बढ़ गए हो, अपने समाज को भी जो दलदल में है उसको भी हाथ पकड़ के उस दलदल से बाहर निकालो। पे बैक टू सोसाइटी, समाज ने जो तुम्हें दिया है, कानून संविधान ने जो तुम्हें कुछ दिया है, जो से बेहतर जो हमारा जीवन हुआ है, तो उसमें से कुछ हिस्सा समाज के लिए दे जो अभी भी अभाव की स्थिति में जी रहा है, अभी भी अशिक्षित है, अभी भी अज्ञानी है। तो हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि समाज को जगाना और समाज को ब्रेन को समझाना आसान नहीं होता है। उनके बीच में जाना होगा और लोगों के बीच में जाने वाले बहुत समर्पित लोग कम होते हैं, तो हमें समर्पित लोगों की तलाश इस संस्था के माध्यम से करके लोगों के बीच में भेजना है और अपनी मांगे मनवानी है और उनकी बेहतरी के लिए उनको बताना है। सर, तो फिर अगली जो रणनीति आपकी इस पे क्या रहेगी और कदम क्या रहेंगे अगले? पहला कदम तो मैंने कहा है कि जो हमारा विश्व रजक महासंघ का जो जिला प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय जो संगठन है उसकी कमेटियाँ कंप्लीट हो जाएँ, एक महीने के अंदर सारी कमेटियाँ कंप्लीट होकर आ जाएँ हमारे पास। उसके बाद उस कमेटियों की प्रदेशवार हम बैठक करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, कमेटी के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे कि आपको जनता के बीच में क्या बताना है, क्या समझाना है, वो आपको उनकी उनकी स्थिति क्या है, उनको क्यों नहीं लाभ योजनाओं का मिल रहा है, क्यों उनके जीवन में अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं, क्यों उनके बच्चों की तरक्की नहीं हो पा रही, क्यों बच्चे बड़े बड़े पदों पर नहीं जा पा रहे हैं, सब समझाएंगे। तो वो सारी चीज़ें समझाया जाएगा, उनको प्रशिक्षित करेंगे, उसके बाद में फिर प्रदेश स्तर पर एक हम जनसभा करेंगे समाज की और फिर अपनी मांगें रखेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से और फिर प्रस्ताव बनवा के केंद्र में भेजवाएंगे। पहला मैंने बताया, ये आपका पहला मुद्दा ही मुख्य है कि जिस प्रदेश में अगर हम SC में नहीं है तो हमें SC में शामिल कराना, शेड्यूल कास्ट में शामिल कराना है धोबी समाज को, ताकि उनको अन्य प्रदेशों की तरह उनको भी लाभ। जैसे उत्तर प्रदेश में SC में है, हम उत्तर प्रदेश से हैं, 21% आरक्षण स्टेट में है, सेंटर में 15% है, तो हम लोग के बच्चे आ रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन अन्य प्रदेशों में नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा से ही रिलेट मतलब काम किया जाएगा या फिर उनको रोजगार भी मिलेगा? देखिए, शिक्षा रोजगार तो शिक्षा से रिलेटेड है। जो आदमी अशिक्षित है, रोजगार क्या, वो तो कपड़ा ही धोलेगा, प्रेस करेगा, तो शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब और संत गाडगे जी महाराज जी कहते थे, भैया भूखे रहो, एक 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 टाइम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और बाबा साहब का संगठन ही तो मूल यही था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा तो कहते हैं, शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब कहते ना, वो शेरनी का दूध है जिसको पी लेने से इंसान में दहाड़ने की क्षमता आ जाती है। तो शिक्षा से भी मानसिक विकास होता है, जब मानसिक विकास होगा तो इंसान फिर अपनी बेहतरी के लिए सोचने लगेगा तरीके, है कि नहीं? जिस तरीके से भाजपा की अगर हम बात करें तो युवाओं का जो ब्रेन वॉश कर रहा है और अभी देश और समाज जिस हाशिए पे जा चुका है और युवा जा चुके हैं, तो ऐसे में हम युवाओं को कैसे यहाँ पर हम लेकर आएंगे, उन्हें कैसे हम सच्चाई से रूबरू कराएंगे? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाजपा एक्चुअली एक विचारधारा विशेष विचारधारा वाली पार्टी है, विशेष विचार को लेकर चलती है। वो विचार है हिंदुत्व की, वह है वर्ण व्यवस्था की, वह है मनुवाद की। और वर्ण व्यवस्था का मतलब यह है कि इंसान इंसान में गैर बराबरी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण में बांट दिया गया। शूद्र इस देश में ज़्यादातर शूद्र जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, सब शूद्र हैं, 52% पिछड़ी जाति, 8% अनुसूचित जनजाति और 18% SC जाति। तो 80% पॉपुलेशन तो शूद्रों की श्रेणी में है न। तो ये अब अहिर गणेरी कुर्मी काश साके और जितने है ना, लोहार कुम्हार, ये सब क्या है? ये सब न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है, ये सब शूद्र हैं। धोबी चमार पासी खटिक भी सब वही हैं। तो इस देश का जो 80% पॉपुलेशन तो वे शूद्रों की है, और शूद्रों के लिए न तो शिक्षा का अधिकार था, न राजसत्ता का था, न संपत्ति का था। शिक्षा ब्राह्मण के पास चला गया, सत्ता चली गई क्षत्रिय के पास, राजा महाराजा करते थे और वैश्य व्यापार करके धन कमाता था, शूद्र सबकी सेवा करने के लिए था। तो बड़ी व्यवस्था अगर वो लाना चाहते हैं तो मतलब है कि हम शूद्रों को केवल वोटर बना के रहें, राज हम करें, वोट ये दें, समझ गए आप?
और आप मुफ्त में बांट रहे हैं। मुफ्त में बांट करके क्या आदमी को अकर्मण्य बना रहे हैं, उसको बेहतर जीवन के जीने के लिए जो उसको उसके अंदर जो लालसा होनी चाहिए उसकी इच्छा शक्ति को समाप्त कर रहे हैं मुफ्त में दे करके। अगर आदमी को मुफ्त मिलने लगेगा तो अकर्मण्य हो जाएगा, काहिल हो जाएगा, अपंग हो जाएगा, वो अच्छे जीवन के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। क्यों? तो आप उसको मुफ्त उसको रोजगार दीजिए, उसको कमाने के हुनर, उसको कमाने का उसको शक्ति दीजिए। एक चपरासी भी घर में बच्चा हो जाएगा तो 25,000 रुपया पाएगा। आप 5,000 रुपये का अनाज दे करके आप जो है उसका वोट ले रहे हैं, बताइए। और गरीब आदमी सोचता है चलो भाई हम तो इतना मिल रहा है, कुछ करेगा नहीं, ना बच्चों को पढ़ाएगा ना खुद करेगा। तो उसको तो अकर्मण्य बना रहे हैं। अकर्मण्य जब बन जाएगा तो आदत डाल देंगे। शराबी को जैसे शराब पीने की आदत पड़ जाती है, इस तरह मुफ्त में खाने की जब आदत पड़ जाएगी तो फिर उसी वही चाहेगा, तो जो उसको मुफ्त में देगा उसी को वोट देगा। तो आप उसको क्या दे रहे हैं भाई? उसका उसके उसका उसके शक्ति का उसकी क्षमता का उपयोग करिए, उसको रोजगार। अभी अभी सर आपने वर्ण व्यवस्था की बात करी, बुलडोजर बाबा भी यही बात करते, 85 बनाम 15 की बात करते, वो 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम। अब 85 पे आ गए, अब हिंदू मुस्लिम करके जैसे हिजाब और ये सब ला करके, तो वो हिंदू मुस्लिम उनका मतलब 85-25 का मतलब है कि हिंदू 15 का मतलब हिंदू मुस्लिम है, मतलब हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, हिंदू का चाहिए। वर्ण व्यवस्था की तो खैर चरमराहट बहुत ज्यादा है। वर्ण व्यवस्था गैर बराबरी पर आधारित है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर ढांचा उसका है, यानी सीढ़ी के शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है, ऊपर के 3 लोग बैठे हैं, सबसे निचले पायदान पर कौन बैठा, शूद्र बैठा हुआ है। शूद्र जब ऊपर पायदान पर पैर रखना चाहता, ऊपर वाला लात मारता, कहता है तुम्हारी जगह नीचे ही है ना, ऊपर चढ़ने नहीं देता, क्योंकि ऊपर सारी वैकेंसी फुल है, SC वालों के ऊपर चढ़ने का जगह ही नहीं है, है ना। तो ये तो गैर बराबरी है, सीढ़ी गैर बराबर होती है ना, कभी प्लेन नहीं होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो ये गैर बराबरी पर आधारित है, बिल्कुल इंसान की गैर बराबरी पर। हम अछूत समझ के बाहर रहने को, अब बताइए चमरौटी धोबियाना सब बाहर है, जाइए गांव में जाइए, कहाँ है धोबी एक जगह बाहर रह रहे, चमार एक जगह रह रहे, मतलब उनको गाँव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। वो धोबियाना है, चमरौटी है, मतलब चमार एक जगह, धोबी एक जगह। आप सोचिए इंसान के साथ क्या होता था, हैं? अब गले में मटका, अब वही महाराष्ट्र था कि गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध कर चलने के लिए मजबूर किया जाता था। क्या इंसान के साथ ये इंसान के साथ होता है? जानवर के साथ ऐसा कभी किया गया? हमें तालाब से पानी नहीं लेने के लिए अधिकार नहीं था, हमें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, सोचिए हमें स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जानवर पी सकता है तालाब में पानी, जानवर पे भैंस घुस जाती है तालाब में, पेशाब कर रही है, गोबर कर रही है, कोई देखने जाता है, लेकिन इंसान अछूत चला जाएगा तो उसको अरे अछूत पानी छू दिया, जानवर छू दे रहा है, पेशाब कर दे रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर जानवर चला जा रहा है, गाय चली जा रही है, गोबर कर दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन अछूत चला जाएगा, इंसान चला जाएगा तो कोई दिक्कत। गोबर तो उन्होंने वैसे भी औषधि बता दी है ना गोबर को, तो नहीं, लेकिन सवाल है कि इंसान के साथ आप ऐसा क्यों किए भाई? बाबा साहब कैसा झेले बताइए, उनको कोई चीज सरकारी सेवा में जो चले गए तब भी उसको फाइल चपरासी दूर से फेंकता था, पानी पीने के लिए सोचिए ऐसे रख के चला जाता था, स्कूल में बाहर मटका रखा जाता था, भाई स्थिति वो सब मुक्ति दिलाया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें राजनीतिक आज़ादी मिल गई है, हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, लेकिन इस देश की वर्ण व्यवस्था से हमें आज़ादी नहीं मिली है, अभी भी हम मानसिक गुलाम हैं, और जो हैं गुलामों को वही है, गुलामों को गुलामी का एहसास कर रहे हैं इसलिए वोट ले रहे हैं, समझ गया। लेकिन जिस दिन गुलाम को, मैंने कहा ना, गुलाम को अगर गुलामी का एहसास हो जाए तब उसके कहेगा अरे गुलामी तो बड़ी ख़राब चीज़ है, तब उसे मुक्त होने का प्रयास करेगा, समझ गए। हम तो सब मुफ्त डाल दे करके सब आक्रमण बना रहे हैं, हमें तो लोगों की क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। अगर लेबर है तो लेबर का काम लो, उसको मजदूरी दो, मेहनताना दो, बैठा के मत खिलाओ, मेरा इस मत है, कोई भी हो, है ना। और दूसरी बात, जो गरीब आदमी है, जो अशिक्षित है, जो अछूत है बेचारा, उसको तो विशेष सहायता दो ना उसके साथ। सरकारी नौकरी मिल नहीं, आरक्षण है, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो रहा है, आरक्षण की भर्ती है, सारे सरकारी काम प्राइवेट को दे रहे हैं, प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है, सरकारी काम आप प्राइवेट छोड़ दे, और आउटसोर्सिंग से सारी जगह भर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण नहीं है। इसी प्रकार जब ISPCS का भी आप लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह के पद भर रहे हैं, आप बताइए वहाँ कोई आरक्षण नहीं है। तो आप सारे बड़े बड़े पद तो लेटरल एंट्री और प्राइवेट सेक्टर और आउटसोर्सिंग से भर ले रहे हैं, और यहाँ आरक्षण नहीं है तो दलित पिछड़े कहाँ जाएंगे बेचारे? 27% पिछड़ों का आरक्षण है, और 15% सेंटर में स्टेट का आरक्षण है, 7.5% ST का आरक्षण है, 49% आरक्षण हुआ, लेकिन इनको लाभ कहाँ मिलेगा जब आप उनको आरक्षण केवल सरकारी नौकरी में है और कहीं नहीं है। अगर कोई चीज़ सरकारी नहीं होगी तो आरक्षण नहीं है,
अगर सरकारी काम प्राइवेट को दे दिया तो वहाँ रिसर्च नहीं है, प्राइवेट वाला जिसको चाहे भर्ती कर देगा। आउटसोर्सिंग जो है वो आउटसोर्सिंग तो एजेंसी इंगेज करते हैं, एजेंसी मैन पावर प्रोवाइड करती है, उसको नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं, हम पैसा एजेंसी को दे, एजेंसी उनको तनख्वाह देती है, मतलब वहाँ भी आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ये इसको समझाना होगा। अब उन लोगों को वोट दे रहे हो जो तुम्हारा सब कुछ हक मार रहे हैं। आज बंगाल वाले साहब हीरा लाल जी कह रहे थे कि हमारे 50 साल का वो बनना है, क्या नाम है, क्या राशन कार्ड है, क्या बनना था, तो बता रहे 50 साल पीछे का इतिहास मांग रहे हैं लोग, सबूत लाओ। किसने NRCC यही तो लाए, यही तो लाए, CANRC यही लाए हैं। अब बताइए कौन भोग रहा है, हम लोग भोग रहे हैं, अब वोट दें, ये समझाना होगा। ये आपको आपकी गरीबी या शिक्षा का फायदा ले रहे हैं, हमको धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं, हमको कांवड़ ढोवा रहे हैं। कांवड़ियों की लाइन में इंटरव्यू लीजिए, 95% दलित पिछड़े मिलेंगे, उसमें कोई अपर कास्ट का नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि तुम तो कांवड़ ढो, अपना जल लेके जाओ, चढ़ाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने चिंतामणि सर से बात करी और उन्होंने अपने विचार रखे, उनसे सवाल जाने हमने किस तरीके से आरक्षण को लेकर भाजपा और सारी बुलडोजर बाबा की जो तरकीबें हैं फेल होती नजर आ रही है, और आरक्षण पर जिस तरीके से वार किया जा रहा है, जिस तरीके से हर समाज और तबके पिछड़े हुए लोगों पर वार किया जा रहा है, उसी की जो है बैठक की गई है यहाँ पर, और रजक समाज के लिए यहाँ आवाज़ उठाई गई है जो कि अभी आज तक पहले कभी नहीं हुई है, तो उसी पर हमने जो चर्चा की। अभी और भी आगे लोगों से जानेंगे हम, बातचीत करेंगे, जुड़े रहिए जनहित आवाज़ से। नमस्कार।